हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे करंट अफेयर सीरीज पार्ट 5। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन, व्हेन वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे इज सेलिब्रेटेड? किस दिन वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है? 10 दिसंबर, 9 दिसंबर, 8 दिसंबर, 7 दिसंबर। इसका सही आंसर है 10 दिसंबर। ह्यूमन राइट्स डे हर साल 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 2020 के ह्यूमन राइट्स डे का थीम है रिकवर बेटर, स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन द रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी अवार्ड? ऑप्शंस हैं रस्किन बॉन्ड, एस हरेस, हरिहरन, राजकमल झा। इसका सही आंसर है राजकमल झा। राजकमल झा को रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज 2020 मिला। उन्हें अपने नॉवेल्स द सिटी एंड द सी के लिए यह प्राइज मिला। उन्होंने अपने नॉवेल में निर्भया केस ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में लिखा है। राजकमल झा जो है वो एक इंडियन न्यूज़पेपर एडिटर है और वो करेंटली इंडियन एक्सप्रेस के एडिटर इन चीफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वर्चुअली इनॉग्रेटेड द कंस्ट्रक्शन वर्क फॉर विच मेट्रो रेल प्रोजेक्ट? किस मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली इनॉग्रेट किया उसके कंस्ट्रक्शन वर्क को? ऑप्शंस हैं नागपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट, आगरा मेट्रो रेल प्रोजेक्ट, दिल्ली मेट्रो रेल प्रोजेक्ट, लखनऊ मेट्रो रेल प्रोजेक्ट। इसका सही आंसर है आगरा मेट्रो रेल प्रोजेक्ट। आगरा जो है उत्तर प्रदेश का फोर्थ लार्जेस्ट सिटी है। आगरा में जो मेट्रो रेल बनाया जा रहा है वो उसकी लेंथ लगभग 30 किलोमीटर है। यूनियन कैबिनेट ने आगरा मेट्रो रेल के लिए 8,369.62 करोड़ पैसे रुपए अप्रूव किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ बुक पायोनियर ऑफ ह्यूमैनिटी महर्षि अरविंद? पायोनियर ऑफ ह्यूमैनिटी महर्षि अरविंद के ऑथर कौन है? ऑप्शंस हैं विजय लोकपल्ली, सुभा शर्मा, रमेश पोखरियाल निशांक, शिवाथानु पिल्लई। इसका सही आंसर है रमेश पोखरियाल निशांक। रमेश पोखरियाल निशांक जो है वो एक इंडियन पॉलिटिशियन है जिन्हें 31 मई 2019 को मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का हेड बनाया गया है। अभी हाल ही में जुलाई 2020 में मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का नाम बदलकर मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है। तो हमारे मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है रमेश पोखरियाल निशांक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक हैज अप्रूव्ड मिलियन टेक्निकल असिस्टेंट टू सपोर्ट एडवांस बायोफ्यूल डेवलपमेंट इन इंडिया? किस बैंक ने भारत में उन्नत जैव ईंधन विकास का समर्थन करने के लिए $2.5 मिलियन की तकनीकी सहायता को मंजूरी दी है? इसके ऑप्शंस हैं AIIB, ADB, NDB, IMF। इसका सही आंसर है ADB। ADB का फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक का एस्टैब्लिशमेंट 19 दिसंबर 1966 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर है मंडलयोंग, फिलीपींस। इसके प्रेसिडेंट हैं मसात्सुगु असाकावा। इसके 68 कंट्रीज मेंबरशिप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू गेट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट फॉर कीवी? कौन सा स्टेट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट पाने के लिए पाने वाला पहला स्टेट बन चुका है? ऑप्शंस है अरुणाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, केरला। इसका सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश कीवी उत्पादन में ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला पहला स्टेट बन चुका है। अरुणाचल प्रदेश के बारे में पढ़ते हैं, उसका कैपिटल है ईटानगर, वहाँ के सीएम है पेमा खांडू और गवर्नर है बीडी मिश्रा।
Which city of Madhya Pradesh has been included in the list of UNESCO World Heritage Cities? मध्य प्रदेश के कौन सिटीज जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटीज में इंक्लूड किए गए हैं? ऑप्शन है इंदौर, ग्वालियर, ओरछा, डी बोथ बी एंड सी। इसका सही आंसर है बोथ बी एंड सी, ग्वालियर एंड ओरछा। यूनेस्को, यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस। इसके हेड है ऑड्रे अजौले। यह 16 नवंबर 1945 में बना था लंदन, यूनाइटेड किंगडम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल होस्ट द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2021? जापान, इटली, स्विट्जरलैंड, इंडिया। इसका सही आंसर है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड का कैपिटल है बर्न। वहां की करेंसी है स्विस फ्रैंक। वहां का लार्जेस्ट सिटी है ज्यूरिक। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेड क्वार्टर है कॉलोनी स्विट्जरलैंड में। इसके फाउंडर हैं क्लॉस स्वैब। यह जनवरी 1971 में बना था। इसके लीडर हैं क्लॉस स्वैब। इसका मोटो है कमिटेड टू इम्प्रूविंग द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द रिसेंट सर्वे कंडक्टेड बाय नेपाल एंड चाइना, द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट हैज इंक्रीज्ड टू। चाइना और नेपाल के रिसेंटली सर्वे के हिसाब से माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी बढ़ी है? ऑप्शंस हैं 8,848.40 मीटर, 8,848.65 मीटर, 8,848.86 मीटर, 8,848.98 मीटर। इसका सही आंसर है 8,848.86 मीटर। माउंट एवरेस्ट की हाइट 0.86 मीटर बढ़ गई है। माउंट एवरेस्ट वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट माउंटेन है। नेपाल, नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। प्राइम मिनिस्टर है केपी शर्मा ओली। प्रेसिडेंट है वहां के विद्या देवी भंडारी और करेंसी है नेपाली रुपी। चाइना, चाइना का कैपिटल है बीजिंग। प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग। करेंसी है रेनमिनबी। नेक्स्ट, व्हिच डे इज ऑब्जर्व एज द इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे? किस दिन को एंटी करप्शन डे मनाया गया? 2 दिसंबर, 9 दिसंबर, 5 दिसंबर, 7 दिसंबर। इसका सही आंसर है 9 दिसंबर। 9 दिसंबर को इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे मनाया गया जिसका थीम था रिकवर विथ इंटीग्रिटी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।